देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार कर गई है। पूरे देश में कोरोना केस का कुल आंकड़ा 23,077 हो गया, जबकि कोरोना से देश में अभी तक 718 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा 4,749 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, ये एक राहत की खबर है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है, वहीं दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए गुजरात अब दूसरे नंबर पर आ गया है, तीसरे नंबर पर दिल्ली है। लगातार पूरे देश में यहां पर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो पूरे देश भर में लगातार तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पूरे देश में अभी तक 23,077 लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। 718 लोगों की देश भर से मृत्यु भी दर्ज की गई है। इसके अलावा देश में कोरोना से पीड़ित 4,000 के करीब जो आंकड़ा है वो अभी तक इलाज के बाद में ठीक है और उन्हें अपने अपने घर पर पहुंचा दिया गया है। महाराष्ट्र वो ऐसा क्षेत्र है जहां कोरोना सबसे ज्यादा जिसने अपना घातक रूप दिखाया, उसके बाद में दिल्ली दूसरे स्थान पर अभी तक था, लेकिन गुजरात में अब सबसे ज्यादा केसेस सामने आ गए हैं। दूसरे स्थान पर आ गया है गुजरात और तीसरे स्थान पर अभी भी दिल्ली है। पूरे देश में कोरोना से पीड़ित 4,749 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के अभी तक 17,610 एक्टिव केसेस पूरे देश भर में। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, काफी ज्यादा भयावह स्थिति यहां बनती जा रही है। हालांकि दिल्ली की बात अगर की जाए तो राहत की खबर यह है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका फर्स्ट स्टेज यहां पर कारगर है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहूंगी आपसे। जी बिल्कुल जेटी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार ये कहा गया है कि 4 ऐसे पेशेंट्स हैं और फिलहाल जिनके ट्रायल किया गया और जो ट्रायल हुआ उसके रिजल्ट काफी पॉजिटिव आए हैं। ILBS अस्पताल है दिल्ली का जी, डॉक्टर है डॉक्टर जरीन, उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो कोरोना पेशेंट्स है उनका ट्रीटमेंट होता है 3 स्टेज में। जो पहला चरण है, अगर उस समय पर पता चल जाए कि कोरोना जो है वो स्टार्ट हो गया है, कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में लंग्स तक अगर इंफेक्शन नहीं फैला है तो प्लाज्मा थेरेपी से आसानी से इलाज किया जा सकता है, जो कि सस्ता है, किसी विदेशी दवाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो पेशेंट जो कि ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा लेके, और जो पेशेंट है जो अभी काफी गंभीर स्थिति में है उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है वो, और उससे ही जो है ट्रीटमेंट होता है पूरी तरीके से। और फिलहाल दिल्ली को केंद्र सरकार की ओर से अभी शुरुआती 1 अस्पताल में इसका टेस्ट करने के लिए कहा गया था, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो दिल्ली में और भी अस्पतालों में इससे छूट दी जाएगी केंद्र सरकार की ओर से, और अन्य राज्यों में भी इसको इस थेरेपी के अनुसार इलाज किया जाएगा। और कोरोना के लिए जब तक की वैक्सीनेशन नहीं आता है तब तक जो है ये सबसे सस्ता और कारगर उपाय हो सकता है देश में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करना। जैसी जी प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है, दिल्ली में उसको सबसे पहले प्रयोग में यहाँ पर लिया गया। दिल्ली का ही एक परिवार बताया जा रहा है जिसके 3 लोग इस वायरस के संक्रमित थे और एक व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु भी हुई। घर के जो बुजुर्ग थे उनके एक परिवार के सदस्य जो 49 ईयर्स के यहाँ बताए जा रहे हैं वो पहले वेंटिलेटर पे थे, लेकिन जब प्लाज्मा थेरेपी उन पर इन्फोर्स की गई तो वेंटिलेटर से हटा दिए गए हैं। उनकी क्या फिलहाल स्थिति है और आगे किन चरणों में इस थेरेपी को पूरे देश में इन्फोर्स किए जाने की यहाँ पर योजना है, क्योंकि वैक्सीन तो अभी फिलहाल तक नहीं बन पा रही है, तो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट कहा जा सकता है इसे। जी बिल्कुल, 49 साल के जो पेशेंट थे वो वेंटिलेटर पे थे, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से उनका इलाज करने के बाद अब वो बेहतर स्थिति में है। डॉक्टर सरीन की तरफ से ये बताया गया कि 2 से 3 दिन में वो अस्पताल से उनको छुट्टी भी मिल सकती है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहा है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये 10 दिन के बाद दोबारा डोनेट किया जा सकता है। जिस तरीके से ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसमें 3 महीने का अंतराल लेना होता है पेशेंट को, लेकिन ये 10 दिन के अंतराल के बाद ही डोनेट कर दिया जाता है। इसमें जो पेशेंट है जो ठीक हो चुका होता है उसका खून नहीं लिया जाता है, केवल उसके ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून को शरीर में वापस भेज दिया जाता है। तो ये जो है फिलहाल दिल्ली सरकार एक लीड लेके चल रही है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके के पेशेंट, 4 पेशेंट है जो सक्सेसफुल जिनके ऊपर पॉजिटिव पाया जा रहा है इसका इलाज, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो 10 से 15 पेशेंट जो है उनके ऊपर इसको
अपनाया जाएगा, उनका भी इस तरीके से इलाज किया जाएगा। वो पेशेंट जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, केवल उन्हीं का इलाज इस प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रीत। आपको पूरे देश भर से इस वक्त हम कोरोना की ताजा अपडेट दे रहे हैं। 23,000 का आंकड़ा पार कर गई है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देश भर में।